नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आपने वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल का नाम सुना है? मेरे लिए उसका उच्चारण भी थोड़ा मुश्किल है, पर मैंने नाम सुना भर है। आपने नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। अब तो इस होटल की कई शाखाएं हैं पूरी दुनिया में, परंतु इस नाम का सबसे पहला होटल अमेरिका में न्यूयॉर्क में खुला था। यह दुनिया का सबसे आलीशान और सबसे पॉश होटल माना जाता था। इस होटल में अक्टूबर 1947 में दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के सामने जन गण मन की धुन बजाई गई थी। मौका था संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक से जुड़ा हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अमेरिका से उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित ने यह रिपोर्ट भेजी कि वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल में दुनिया के तमाम नेता जन गण मन की धुन को सुनकर चौंक उठे, और यह भी लिखा कि ऐसा नेशनल एंथम उन लोगों ने कभी पहले सुना ही नहीं था। विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही थी। नेहरू लिखते हैं कि उस नेशनल एंथम की, भारतीय नेशनल एंथम की बड़े पैमाने पर अमेरिकी लोगों एवं अन्य देशों के लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर मांग की जाने लगी। भारत का कोई राष्ट्रीय गीत इतने सारे विदेशियों को क्यों चाहिए था, यह समझ पाना तो मुश्किल है। बहरहाल, यह सब विवरण दे रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 जून 1948 को लिखी अपनी एक जवाबी चिट्ठी में, जो बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को भेजी गई। विधान चंद्र रॉय ने 12 जून 1948 को नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने मई 1948 में जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट के निर्णय से टैगोर द्वारा लिखे जनगणमन को राष्ट्रगीत बनाने का विरोध किया था। उस कैबिनेट निर्णय की बात हम आज़ादी नामा की पिछली कड़ी में, 74वीं कड़ी में कर चुके हैं। डॉक्टर रॉय ने वंदे मातरम का ऐतिहासिक महत्व रेखांकित करते हुए उसे ही देश का राष्ट्रगीत बनाने का सुझाव दिया था। सवाल ये उठता है कि क्या आज़ाद भारत के राष्ट्रगीत का निर्णय अमेरिका के किसी होटल में होना था या भारत की संविधान सभा में? सवाल यह भी उठता है कि भारत के राष्ट्रगीत की धुन बनाने की जिम्मेदारी भारतीयों की थी या अमेरिकी या अंग्रेज बैंड मास्टरों की? एक सवाल यह भी उठता है कि नेहरू जी को या विजयलक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र संघ में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में पेश करने का अधिकार किसने दिया था? अभी इसका फैसला न भारत की संविधान सभा में हुआ था, न किसी और ऐसी संस्था में। इस देश ने वंदे मातरम की स्वीकृति लाखों लोगों की सभा में ब्रिटिश हुकूमत की संगीनों के सामने अपनी छाती खोल कर की थी। एक बार नहीं, हजारों बार इस देश ने वंदे मातरम को फांसी के तख्ते पर, शहीदों की चिताओं पर और जेल खानों के यातना गृहों में वंदे मातरम को इस देश का राष्ट्रगीत स्वीकार किया था। आपको आज से लगभग 100 साल पहले प्रकाशित कुछ गीतों की पंक्तियां सुनाता हूं, जो लिखी तो गई थी अंग्रेजों के लिए, परंतु उन्हें नेहरू जी को किसी को जाकर सुनाना चाहिए था। इस देश की धमनियों में खून से अधिक वंदे मातरम दौड़ रहा था और आज भी दौड़ता है। हम भारतीयों का सदा है प्राण वंदे मातरम, हम भूल सकते हैं नहीं शुभतान वंदे मातरम। देश के ही अन्न जल से बन सका यह खून है, नाड़ियों में हो रहा संचार वंदे मातरम। स्वाधीनता के मंत्र का है सार वंदे मातरम, हर रोम से हर बार हो उच्चार वंदे मातरम। घूमती तलवार हो सर पर मेरे परवाह नहीं, दुश्मनों देखो मेरी ललकार वंदे मातरम। धार खूनी खंजरों की भोथरी हो जाएगी, जब करोड़ों की पड़े झनकार वंदे मातरम। टांग दो सूली पे मुझको खाल मेरी खींच लो, दम निकलते तक सुनो हुंकार वंदे मातरम। देश से हमको निकालो भेज दो यमलोक को, जीत लें संसार को गुंजार वंदे मातरम। चौंकते हो क्यों भला सुन मंत्र वंदे मातरम, चीर कर देखो कलेजा तंत्र वंदे मातरम।
मृत्युशैया पर मुझे उल्लास होवेगी तभी, प्राण यदि छूटे हिलाते तार वंदे मातरम। आज़ादीनामा की आज की 75वीं और अंतिम कड़ी में वंदे मातरम भारत की संविधान सभा और स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार के बहाने पड़ताल उन प्रवृत्तियों की जिनसे लोकतंत्र में लोक की अवहेलना होती है और तंत्र मजबूत होता जाता है। और चूंकि यह आज़ादी की ग्रामोफोन गाथा है तो इसमें रखेंगे ग्रामोफोन के वे सबूत जो नेहरू के नेशनल एंथम से संबद्ध धारणाओं को धराशायी कर देते हैं। आज की इस कड़ी में हम कई ऐसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड सुनेंगे जिसमें हम वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग पाते हैं। मस्जिद ने पुकारा, मंदिर ने पुकारा, मस्जिद ने पुकारा, अल्लाह ने पुकारा तुम्हें, ईश्वर ने पुकारा, अल्लाह ने पुकारा तुम्हें, ईश्वर ने पुकारा। आजाद वतन के लिए बलिदान हो जाना, आजाद वतन के लिए कुर्बान हो जाना, आजाद वतन के लिए बलिदान हो जाना, आजाद वतन के लिए कुर्बान हो जाना। बनने को तैयार रहो, बनने को तैयार रहो, बनने को तैयार रहो, बनने को तैयार। काम की खिदमत में रहो, मिटने को तैयार, काम की खिदमत में रहो, मिटने को तैयार, बनने को तैयार रहो, मिटने को तैयार रहो, बनने को तैयार रहो, बनने को तैयार, बनने को तैयार रहो, मिटने को तैयार रहो, बनने को तैयार रहो। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 जून 1948 को डॉक्टर बीसी रॉय को लिखे जवाबी पत्र से यह साफ हो जाता है कि वंदे मातरम के देश का राष्ट्रगीत न बनने के पीछे सबसे बड़ी और अहम भूमिका नेहरू की ही थी। आइए फिर से नेहरू जी के 15 जून 1948 की चिट्ठी पर वापस चलते हैं। जब अमेरिकी और अन्य विदेशी इतनी रुचि दिखा रहे थे भारत के राष्ट्रगीत में तो नेहरू जी की जिज्ञासा भी जाग उठी। उन्होंने अमेरिका में जनगण मन की बजाई गई धुन रिकॉर्ड करवाकर भारत मंगवाई। उस रिकॉर्ड को भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना को दिया गया और उनसे उसे उन अवसरों पर उस धुन को बजाने के लिए कहा गया जब नेशनल एंथम बजाने की ज़रूरत होती है। इस चिट्ठी में नेहरू जी ने राष्ट्रगीत पर अपने विचार खुलकर रखे थे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण धारणा थी कि अ नेशनल एंथम इज चीफली म्यूजिक एंड नॉट वर्ड्स, यानी राष्ट्रगीत मुख्यतः संगीत है, उसके शब्द महत्वपूर्ण नहीं हैं। और अपनी इस धारणा को उसी चिट्ठी में उन्होंने दोहराया भी। यदि ऐसा था तो फिर उन्होंने वंदे मातरम बनाम जनगण मन क्यों किया? शब्द तो दोनों के ही महत्वहीन थे उनके हिसाब से। नेहरू जी की दूसरी धारणा थी कि राष्ट्रगीत की जरूरत अपने देश से अधिक परदेश में होती है, इधर उधर होती है। उनके शब्द थे, इन फैक्ट इट इज प्लेड मोर इन अदर कंट्रीज देन इन द होम कंट्री। नेहरू जी ने बीसी रॉय को संबोधित अपने पत्र में लिखा, वंदे मातरम डज नॉट यील्ड इट्सेल्फ टू गुड ऑर्केस्ट्रेशन और टू मिलिट्री प्लेइंग, जनगणमन हैज एन आइडियल लिल्ट अबाउट इट विच इज जनरली अप्रूव्ड। यानी वंदे मातरम वाद्य वृंद के लिए या ऑर्केस्ट्रा के लिए अथवा मिलिट्री बैंड द्वारा बजाने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। जनगणमन इस दृष्टि से एक आदर्श गीत है जिसमें आदर्श आरोह अवरोह है और उसमें ओज भी है। आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाता हूं हिंदुस्तान ऑर्केस्ट्रा द्वारा रिकॉर्ड किया गया वंदे मातरम मार्च म्यूजिक। आप खुद सुनिए और फैसला कीजिए कि क्या वंदे मातरम की इस धुन का प्रयोग मिलिट्री बैंड के लिए हो सकता था या नहीं। यह भी फैसला कीजिए कि इस धुन में ओज है कि नहीं,
और यह भी फैसला कीजिएगा कि इसमें आरोह अवरोह की खूबसूरती है कि नहीं। दोस्तों, आज यदि हमारे पास ग्रामोफोन रिकॉर्ड के रूप में सबूत न होते तो हमारे पास शायद जवाहरलाल नेहरू के मनगढ़ंत तर्कों को निराधार साबित करने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए शायद आज नहीं तो कल इतिहासकार ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को इतिहास के मानक स्रोत के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। 15 जून 1948 को चिट्ठी में नेहरू जी ने बीसी रॉय को अपने निर्णय से पहले अपने द्वारा अपनाए गए लोकतांत्रिक तरीके की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने लिखा कि देश के राज्यों के गवर्नरों से और मुख्यमंत्रियों से भी जनगणमन के बारे में राय ली गई। पहली बात तो ये कि जनगणमन के बारे में ही क्यों राय ली गई, वंदे मातरम के बारे में क्यों नहीं ली गई। दूसरी बात ये कि जिनसे राय ली गई उनमें से अधिकांश नेहरू जी द्वारा मनोनीत थे, नॉमिनेटेड थे। कितने लोग नेहरू जी की भावना के विरुद्ध अपना मत देते जो मनोनीत थे। और दोस्तों, अभी देश की जनता ने किसी को चुना नहीं था, न नेहरू जी को, न उनके गवर्नरों को और न मुख्यमंत्रियों को। नेहरू जी अपनी इस एक चिट्ठी में वंदे मातरम को लेकर जितनी आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं उतनी शायद फिरका परस्तों ने भी नहीं की थी। मुस्लिम लीग ने तो धार्मिक भावनाओं का ही सिर्फ हवाला दिया था, नेहरू जी ने वह बहाना भी नहीं लिया। जिस गीत ने भारत को अंग्रेजों को देश से भगाने का मंत्र दिया था उसे नेहरू जी ने फ्लॉप गीत कह दिया। उनके शब्द थे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फॉरेन कंट्रीज इट इज अनडाउटेडली अ फ्लॉप। जब जनगणमना लिखा तक नहीं गया था तब वंदे मातरम से भारत में ही नहीं इंग्लैंड में सुपरहिट था, जिसकी बात हम आजादी नामा की पिछली कड़ियों में कर चुके हैं। नेहरू को शायद यह भी भूल गया था कि सिंगापुर और जापान जैसे देशों में आजाद हिंद फौज रेडियो के ब्रॉडकास्ट में वंदे मातरम गीत सम्मान से गाया बजाया जाता था और सारी दुनिया में उसका सम्मान होता था। नेहरू ने जब वंदे मातरम को फ्लॉप कहा तब क्या उनके पास कोई प्रूफ था कि उन्होंने वंदे मातरम की कोई रिकॉर्डिंग किसी विदेशी आयोजन में बजवाई हो और लोगों को पसंद नहीं आई हो? 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नेहरू ने सबसे पहली बार वंदे मातरम की अवहेलना शुरू की। जब देश भर में उसके खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू हुई तब कांग्रेस के अगले अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के आग्रह पर तिमिर बरन ने वंदे मातरम की धुन बनाई थी, जिसके रिकॉर्ड के लेबल पर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंथम लिखा गया था। आप उस रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा सुनिए और तय कीजिए कि उसमें ऐसी कौन सी कमी थी कि उसे भारत का राष्ट्रगीत नहीं बनाया जा सकता था, और क्या यह फ्लॉप है जैसा नेहरू ने कहा। Malaya Jashin Kalam Malaya Jashin Kalam Malaya Jashin Kalam Malaya Jashin Kalam
दोस्तों, नेहरू ने 15 जून 1948 की अपनी चिट्ठी को समाप्त करते हुए बीसी रॉय और उन जैसे वंदे मातरम के समर्थकों को यह साफ कर दिया कि जन गण मन भारत का राष्ट्रगीत बने ना बने, वंदे मातरम तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। उनके शब्द थे और मैं दोहरा रहा हूं, वेदर जन गण मन इज अडॉप्टेड और नॉट, आई डाउट वेरी मच इफ वंदे मातरम कुड बी अडॉप्टेड। इससे अधिक असंसदीय और अलोकतांत्रिक सोच और क्या हो सकती थी दोस्तों। चिट्ठी के अंत में एक तरह से खींचते हुए नेहरू ने लिखा कि वंदे मातरम की भाषा ऐसी है कि जिसे अधिकांश लोग नहीं समझते, मैं तो निश्चित रूप से नहीं समझता। उनके शब्द थे और मैं दोहरा रहा हूं, एज फॉर द वर्ड्स वंदे मातरम कंटेन्स लैंग्वेज विच मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, सर्टेनली आई डू नॉट अंडरस्टैंड इट। नेहरू ने साल 1937 में कांग्रेस अधिवेशन की समाप्ति पर कलकत्ते में कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा था कि उन्हें कलकत्ते की लड़कियों द्वारा गाए गए वंदे मातरम ने बहुत प्रभावित किया, और यह भी कहा कि सभी राज्यों में उसे उसी तरह से गाया जाना चाहिए। रही बात वंदे मातरम के शब्दों को समझने की, तो महर्षि अरविंद घोष जैसे दार्शनिक का किया गया अंग्रेजी अनुवाद नेहरू पढ़ सकते थे, और यदि किसी भारतीय का किया हुआ अनुवाद उन्हें पसंद नहीं था तो वे एक अंग्रेज अधिकारी WH Lee द्वारा 1906 में किए गए वंदे मातरम के अनुवाद का सहारा ही ले सकते थे। दोस्तों, नेहरू ने सिर्फ अमेरिका की विशेषज्ञता का ही फायदा नहीं लिया जनगणमन की धुन बनाने के लिए। उन्होंने इंग्लैंड की लंदन फिलहार्मोनिक सोसाइटी और BBC के हर्बर्ट मुरिल की मदद भी ली। वैसे इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि भारत की संविधान सभा ने जवाहरलाल नेहरू को इस काम के लिए अधिकृत किया था। रही बात वंदे मातरम की, तो उसकी तमाम कंपोजिशन, उसकी तमाम धुनें लोगों ने, कलाकारों ने, संगीतकारों ने अपने दम पर, अपने पैसों से और अपने संसाधनों से की थी। किसी ने सरकारी संसाधन का इस्तेमाल नहीं किया था। और यदि नोटेशन, विदेशी बैंड अथवा अंग्रेजी नामों की दरकार होती है मॉडर्न नेशनल एंथम के लिए, तो वह सब पात्रताएं भी वंदे मातरम बहुत पहले पूरी कर चुका था। 7 अगस्त 1948 को द बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार का आखिरी पन्ना देखिए, आपकी स्क्रीन पर मैं साझा कर रहा हूं। इसमें तिमिर बरन द्वारा वंदे मातरम का नोटेशन प्रकाशित हुआ था अखबार की पूरी लंबाई में। यह नोटेशन तिमिर बरन ने आजादी से 10 साल पहले बनाया था। इसे पांडिचेरी में अरबिंदो आश्रम के विद्यालय की स्थापना की तीसरी बरसी पर फ्रांस की, जो यहां पर फ्रेंच
इंडिया मिलिट्री बैंड थी, उसने 2 दिसंबर 1946 को बजाया था। उस दिन वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने खड़े होकर उसे सुना था भारत के राष्ट्रगीत के रूप में। और तो और, इसके ब्रिटिश मिलिट्री बैंड द्वारा बजाए जाने की सूचना भी इस खबर में मिलती है जब उसने भारत की जमीन छोड़ने से पहले उसे बजाया था। नेहरू जी को इस बात से भी खुशी हुई होती कि तिमिरबरन के नोटेशन में कुछ ज़रूरी संशोधन स्विट्जरलैंड की डॉक्टर एलिजाबेथ कैस्परी और अमेरिका की डॉक्टर जुडिथ टाइबर्ग ने किए थे। दोस्तों, इतना इंटरनेशनल वैल्यू एडिशन तो नेहरू जी जनगणमना के साथ भी नहीं करवा पाए थे। आइए, तिमिरबरन द्वारा बनाई गई वंदे मातरम की धुन का एक हिस्सा सुनते हैं और उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, 8 अगस्त 1948 की उसी खबर में एक और बड़ी अच्छी बात लिखी थी वंदे मातरम के बारे में। उसमें लिखा था, नॉट ओनली इज द वंदे मातरम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल लाइफ, नॉट ओनली डज इट ट्रूली रिप्रेजेंट द इंडियन कॉन्शियसनेस, इट इज वेरीली द गॉड सेंट नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। वन मे कॉल इट अ रिलीजियस सॉन्ग एंड ट्राई टू कंडेमन इट ऑन दैट स्कोर एज बींग सेक्टेरियन, बट दैट इज अ ग्रेट misapprehension. For if Vande Mataram has any religion in it, it is the religion of nationalism, a spiritual vision of India as the great mother and nothing else. दोस्तों, क्या तिमिरबरन, क्या कमलदास गुप्ता या क्या पंकज मलिक, सबने एक से बढ़कर एक धुन बनाई जिसमें समर्पण था, जोश था, देशभक्ति की उत्कृष्ट और निश्चल भावना थी और आधुनिकता तो थी ही। दोस्तों, जिस तरह बीसी रॉय ने जनगणमना को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी नेहरू से, उसी तरह बंगाल के एक और नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी आपत्ति दर्ज कराई 20 जून 1948 को एक चिट्ठी भेजकर। इस दौर में संविधान सभा अपने सत्र में नहीं थी। नेहरू जी ने अगले ही दिन जवाब भेज दिया जिसका मजमून लगभग वही था जो बीसी रॉय को लिखी चिट्ठी में था। फिर वही गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक आरोप नेहरू ने लगाया कि वंदे मातरम इसलिए राष्ट्रगीत नहीं बन सकता क्योंकि इसकी धुन ऑर्केस्ट्रा और बैंड के लिए उपयुक्त नहीं है। आप सबको मैं बड़ी गंभीरता से यह बात बताता हूँ कि उस तारीख में वंदे मातरम के जितने ऑर्केस्ट्रेशन वाले रिकॉर्ड उपलब्ध थे उसकी तुलना में जनगणमना का शायद एक रिकॉर्ड ही उपलब्ध था। हमें नहीं मालूम कि नेहरू ग्रामोफोन सुनते थे या नहीं, परंतु जो धुन अब हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं ग्रामोफोन के माध्यम से, उन्होंने यदि वह सुन लिया होता तो थोड़ी शर्म जरूर महसूस की होती वंदे मातरम के संगीत पर लगातार अपने बेतुके बयान देने के लिए। सुनिए तिमिरबरन द्वारा वंदे मातरम के ऑर्केस्ट्रा का अंतिम हिस्सा। यह आज़ादी से बहुत पहले से बाजार में उपलब्ध था, जनता के बीच बेहद लोकप्रिय था और उस पर यह भी लिखा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंथम।
दोस्तों, नेहरू जी ने डॉक्टर बीसी रॉय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों को दी गई अपनी जवाबी चिट्ठी में एक और बात लिखी थी। उन्होंने दोनों ही चिट्ठियों में लिखा कि उनके द्वारा जनगणमन को राष्ट्रगीत बनाने का निर्णय अस्थायी है, एडहॉक है। अंतिम निर्णय तो भारत की संविधान सभा में होगा, परंतु भारत की संविधान सभा में भारत के राष्ट्रगीत को लेकर जो कुछ हुआ वह भी कम हैरान करने वाला नहीं था। आइए अब थोड़ी पड़ताल उसकी भी कर लेते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 6 दिसंबर 1946 को हुई और अंतिम 24 जनवरी 1950 को। इस पूरी अवधि में 167 कार्य दिवस थे, जिनमें से सिर्फ 19 कार्य दिवस में भारत के राष्ट्रगीत अथवा वंदे मातरम की बात हुई। उन 19 कार्य दिवसों का पूरा लेखा जोखा आपके सामने आज की इस कड़ी में रखूंगा। मैंने आप सभी दर्शकों और श्रोताओं की सुविधा के लिए एक डैशबोर्ड बनाया है, जिसमें संविधान सभा के पूरे कार्यकाल का विवरण मैंने डालने की कोशिश की है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो तारीखें हरे रंग में हैं या पीले या केसरिया रंग में, बस उन्हीं तारीखों में राष्ट्रगीत से संबद्ध चर्चा हुई या वंदे मातरम की बात हुई या वंदे मातरम कहकर किसी सदस्य ने अभिवादन किया। ये अलग अलग रंग चर्चा के विषय के हिसाब से अलग अलग हैं। हरे रंग में वे डेट्स हैं जिनमें राष्ट्रगीत पर बात हुई, पीले में वे डेट्स हैं जिनमें वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाने के विषय पर बात हुई, केसरिया में वे तिथियां हैं जिनमें या तो वंदे मातरम गाया गया, उससे अभिवादन हुआ, अथवा बिना राष्ट्रगीत के संदर्भ के उसका उल्लेख हुआ संविधान सभा में। एक ही तारीख में स्वाभाविक है आपको अलग अलग रंग भी दिख सकते हैं, क्योंकि उनके संदर्भ अलग अलग थे। जिस तिथि का आकार, जिस डेट का साइज जितना बड़ा है, उस दिन उतना अधिक समय इस विषय पर दिया गया, आप इसे देख सकते हैं। डैशबोर्ड की भाषा में इसे वर्ड क्लाउड कहते हैं, हिंदी में इसे आप शब्द मेघ कह सकते हैं, बल्कि मुझे लगता है यह प्रयोग बेहतर है इसके लिए। बाकी जितनी तिथियां आप नीले रंग में देख रहे हैं, छोटी छोटी, उनमें इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। इस डैशबोर्ड में आप टूल टिप की मदद से यह भी देख सकते हैं कि उस चर्चा का विषय क्या था, उस चर्चा में कितने शब्दों का प्रयोग हुआ और उसमें कितना समय लगा। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी हो कि भारतीय संविधान सभा के पूरे कार्यकाल में आधे घंटे से भी कम चर्चा हुई भारत के राष्ट्रगीत को लेकर। क्या भारत के राष्ट्रगीत का प्रश्न इतने कम महत्व का था? उत्तर हां में तो कोई दे नहीं सकता। दोस्तों, संविधान सभा के लगभग 3 साल के कार्यकाल में कुल 30 मिनट की चर्चा में सिर्फ 20 सदस्यों ने हिस्सा लिया। संविधान सभा में 2 बार अज्ञात सदस्यों ने भी इस विषय पर चर्चा में हिस्सा लिया। आप इस पूरे विवरण को भी एक दूसरे डैशबोर्ड के माध्यम से देखिए। इसमें भी रंगों की योजना वैसी ही है जैसी आपने पिछले डैशबोर्ड में देखी थी। इसमें भी जिस सदस्य का नाम जितना बड़ा दिख रहा है आपको शब्द मेघ में या वर्ड क्लाउड में, उनकी भागीदारी उस चर्चा में उतनी अधिक थी।
जिन सदस्यों ने इस विमर्श में भाग ही नहीं लिया उनके नाम नीले रंग में हैं। आप इस डैशबोर्ड में भी टूल टिप के माध्यम से वह पूरा विवरण देख पाएंगे कि किस सदस्य ने संविधान सभा के कितने अधिवेशनों में भागीदारी की। उन अधिवेशनों की तारीख भी आप देखेंगे और यह भी कि उस सदस्य की भागीदारी सीरियस थी या कैजुअल थी अथवा किसी और संदर्भ में थी। आप तिथि के हिसाब से उस सदस्य द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों की संख्या और लिए गए समय का ब्यौरा भी देख पाएंगे। आप इस शब्द मेघ में सबसे बड़ा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पाते हैं। इसका एकमात्र कारण था कि वे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सारी चर्चा में उनकी भागीदारी अपरिहार्य थी, चाहे चर्चा करवानी हो, रोकनी हो या फिर टालनी हो। मुझे आपको यह अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि वे कौन कौन से लोग थे जिन्होंने भारत की संविधान सभा में राष्ट्रगीत विषयक चर्चा शुरू की या उसमें हिस्सा लिया, और किन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया वह समझना तो और भी आसान हो जाता है इस शब्द मेघ को देखकर। इसमें नीला छोटा मेघ खामोश रहता है। दोस्तों, आपको थोड़ा सा अनुमान तो इस बात का अब तक हो ही गया होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की दुहाई देकर जो निर्णय संविधान सभा से बाहर लिए थे भारत के राष्ट्रगीत को लेकर, वह पूरी तरह से योजनाबद्ध थे। अब डैशबोर्ड से निकलकर उस योजना को संविधान सभा में चलकर देखते हैं। आपने पहले देखा कि मई 1948 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी कैबिनेट से अस्थायी तौर पर जनगणमन को भारत का राष्ट्रगीत बनाए जाने का विरोध सब तरफ होने लगा था। विधान चंद्र रॉय और श्याम प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं ने इस विषय पर नेहरू जी को पत्र लिखे जून 1948 में, जिनका नेहरू जी का जवाब भी हमने आपसे साझा किया। इसी विषय पर भारत की संविधान सभा में एक प्रश्न भारत के तत्कालीन गृहमंत्री से किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। सवाल स्वाधीन भारत के राष्ट्रगीत को लेकर ही था और वह गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता था। आपको जानकर शायद यह हैरानी हो कि उस सवाल का जवाब सरदार पटेल के बदले जवाहरलाल नेहरू ने खुद दिया 25 अगस्त 1948 को, यह कहते हुए कि इस विषय को ज़्यादातर वही देख रहे हैं। यह जवाब लिखित रूप में दिया गया था। आपको यहाँ यह बताता चलूँ कि संविधान सभा का छठा अधिवेशन 27 जनवरी 1948 को समाप्त हुआ था और सातवां अधिवेशन 4 नवंबर 1948 को शुरू हुआ, लगभग 9 महीने के बाद। संविधान सभा के सत्र में न होने के दौरान ही नेहरू जी ने जनगणमन को अस्थायी तौर पर देश का राष्ट्रगीत घोषित करवा दिया था। नेहरू जी के संविधान सभा को भेजे जवाब का मजमून बिल्कुल शब्दशः वही था जो उन्होंने डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को लिखा था और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को भी। दोस्तों, यदि उस जमाने में कंप्यूटर होता तो शायद नेहरू जी के कार्यालय को वह उत्तर तैयार करने में, कट और पेस्ट करने में 2 मिनट से अधिक नहीं लगते। उन्होंने संविधान सभा को दिए अपने लिखित उत्तर में लगभग यह स्पष्ट कर दिया कि वंदे मातरम के लिए राष्ट्रगीत बनने के दरवाजे बंद हैं। उनके उत्तर का आखिरी हिस्सा आप स्क्रीन पर देखिए। इट वॉज थॉट बाई सम पीपल
that the Vande Mataram tune, with all its great attraction and historical background, was not easily suitable for orchestra in foreign countries, and there was not enough movement in it. It seemed, therefore, that while Vande Mataram should continue to be the national song par excellence in India, the national anthem tune should be that of Jana Gana Mana. The wording of Jana Gana Mana to be altered suitably to fit in with the existing circumstances. This question has to be considered by the Constituent Assembly, and it is open to that assembly to decide as it chooses. It may decide on a completely new song or tune, if such is available. दोस्तों, नेहरू जी द्वारा यह लिखित बयान संविधान सभा को भेज देने के बाद यह अपेक्षा रखना कि संविधान सभा में निरपेक्ष रूप से राष्ट्रगीत को लेकर बहस होती या उसके लिए किसी समिति का गठन होता मूर्खता ही कही जा सकती है। परंतु नेहरू जी के इस हद तक चले जाने के बावजूद भारत की संविधान सभा में कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्होंने वंदे मातरम के सम्मान की रक्षा का भरपूर प्रयास किया। उन सदस्यों में सबसे अधिक हिम्मत और साफगोई दिखाई सेठ गोविंद दास ने। उन्होंने सातवें अधिवेशन के दूसरे दिन 5 नवंबर 1948 को एक लंबा वक्तव्य संविधान सभा में दिया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम लिए बिना उनकी आलोचना करते हुए कहा कि जिस तरह सूर या मीरा के भजन अलग अलग धुनों में अलग अलग गायक गाते हैं, उसी तरह वंदे मातरम को भी अलग अलग तरह से गाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वंदे मातरम का ऑर्केस्ट्रेशन नहीं हो सकता, यह बयान भी सरासर गलत है। यही नहीं, सेठ गोविंद दास ने संविधान सभा को याद दिलाया कि जिस जनगणमन को भारत का राष्ट्रगीत बनाने की बात हो रही है वह बादशाह जॉर्ज पंचम के सम्मान में लिखा गया था। उन्होंने कहा कि यह आज़ाद देश किसी राजेश्वर का अभिवादन नहीं करेगा, यह देश सिर्फ और सिर्फ एक अभिवादन करेगा, वंदे मातरम। दोस्तों, सेठ गोविंद दास भारत की संविधान सभा के पहले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने खुले तौर पर वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत बनाने की अपील की और जनगणमना को राष्ट्रगीत न बनाने की भी सलाह दी। सेठ गोविंद दास जी को हम सब की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। नवंबर 1948 को श्री बी आर मंडलोई ने और 9 नवंबर 1948 को ए माधव राव एवं विशंभर दयाल त्रिपाठी ने भी अध्यक्ष के माध्यम से संविधान सभा को याद दिलाया कि भारत के संविधान के मसौदे में राष्ट्रगीत का न होना एक गंभीर मुद्दा है। त्रिपाठी जी ने स्वाधीनता आंदोलन में वंदे मातरम की भूमिका याद दिलाते हुए उसे ही भारत का राष्ट्रगीत बनाने का सुझाव भी दिया। Jai 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 Jai
दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में हर सदस्य अपनी अपनी क्षमता और अपनी अपनी भावना से संविधान निर्माण में योगदान कर रहा था। संविधान सभा के एक सदस्य थे प्रोफेसर शिवबनलाल सक्सेना। उन्होंने 15 नवंबर 1948 को भारत के भावी संविधान के लिए एक जनरल प्रिंसिपल्स का प्रस्ताव पेश किया। उसे स्क्रीन पर आप सबके लिए साझा कर रहा हूँ। प्रोफेसर सक्सेना ने इसमें देश की भावनाओं को बड़े अच्छे से पेश किया। उन्होंने स्वाधीन देश के नाम से लेकर देश की राजधानी तक का जिक्र किया, जो संभवतः एक नई सोच थी। उनके जनरल प्रिंसिपल्स में सीरियल नंबर 12 पर वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत होगा, ऐसा प्रावधान उन्होंने किया था। एक श्रद्धा सुमन शिवबनलाल सक्सेना जी के लिए भी। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एक तरफ श्री हरिविष्णु कामत, सेठ गोविंद दास, प्रोफेसर शिवबनलाल सक्सेना, श्री शंभर दयाल त्रिपाठी, एन माधव राव संविधान सभा में भारत के राष्ट्रगीत का प्रश्न उठा रहे थे, और दूसरी तरफ संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन प्रश्नों की लगातार अनदेखी कर रहे थे। उन्होंने इन अधिकांश प्रस्तावों का कॉग्निजेंस तक नहीं लिया। यह न सिर्फ हैरान करने वाला था बल्कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। वैसे यह सब नेहरू जी की योजना के तहत हो रहा था, यह निष्कर्ष निकालने में हम गलत साबित नहीं हो सकते। संविधान सभा के 8वें अधिवेशन तक संविधान सभा के अध्यक्ष ने देश के नेशनल एंथम के लिए न तो कोई खुद प्रयास किया और न किसी अन्य सदस्य के द्वारा याद दिलाए जाने पर ही उसकी सुध ली। 30 जुलाई 1949 को संविधान सभा का 9वां अधिवेशन शुरू हुआ। देश को आजाद हुए 2 साल होने वाले थे। भारतीय संविधान का काम भी अब अंतिम चरण में था। उस 9वें अधिवेशन के पहले दिन की बैठक शुरू होते ही शून्यकाल में ही सेठ गोविंद दास ने संविधान सभा के अध्यक्ष को याद दिलाया कि उन्हें स्वाधीन भारत की राष्ट्रभाषा और राष्ट्रगीत पर चर्चा के लिए अविलंब तिथि निर्धारित कर सदस्यों को अवगत कराना चाहिए। इसी 9वें अधिवेशन के दौरान सतीश चंद्र सामंत और रोहिणी कुमार चौधरी ने भी संविधान सभा को और उसके अध्यक्ष को भारत के स्वाधीनता आंदोलन में वंदे मातरम की भूमिका की याद दिलाई। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इन सभी सवालों और मंतव्यों पर न कोई ध्यान दिया और न कोई कार्रवाई ही की। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत का राष्ट्रगीत संविधान का सबसे अहम मुद्दा नहीं था, ये बिल्कुल मानता हूं, परंतु इसमें भी दो राय नहीं कि यह इतना छोटा मुद्दा भी नहीं था कि संविधान सभा के अध्यक्ष या कोई और उसकी इस तरह अनदेखी करता। दोस्तों, होता यह है कि जब जगाना हो किसी सोए को तो वंदे मातरम की याद आती है, जब देश को दुश्मन से बचाना हो तो वंदे मातरम का सहारा लिया जाता है, जब किसानों मजदूरों से काम लेना होता है तो उसे वंदे मातरम की सौगंध दी जाती है। Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram.
बनाना देश को है मजबूत बनाना, खेती करना अन्न उपजाना देश को है मजबूत बनाना, करना है दूर दूर वतन का लेकर जीवन का लेकर जीवन का। खैर, संविधान सभा के 9वें अधिवेशन में भी आजाद भारत के राष्ट्रगीत के लिए कोई पहल नहीं हुई। इसके 10वें अधिवेशन में 13 अक्टूबर 1949 को, जब उस दिन कोई और काम नहीं बच गया था, तब अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने बड़े थके हुए और अनमने तरीके से भारत के भावी राष्ट्रगीत का प्रश्न स्वयं उठाया। दोस्तों, मैं अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर रहा हूं। मैं उस दिन के राष्ट्रगीत से जुड़े प्रसंग को पूरा का पूरा शब्द सह आपके स्क्रीन पर साझा कर रहा हूं। आप खुद देखिए कि संविधान सभा का अध्यक्ष किस तरह के अनिर्णय की स्थिति में है इस बात को लेकर कि वह राष्ट्रगीत को लेकर करे क्या। समिति बनाए, संसद में चर्चा करवाए, विशेषज्ञ समिति बनाए। दोस्तों, बाबू राजेंद्र प्रसाद को अच्छी तरह से पता था कि न यह सब अब संभव था और न ही ऐसा कोई उनका इरादा था। उसके सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी कि वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत नहीं बनने देना था। आप खुद देखिए 13 अक्टूबर 1949 को भारत की संविधान सभा में किस तरह का संवाद हो रहा था। एक सदस्य श्री सुरेश चंद्र मजुमदार ने मामले की गंभीरता और अध्यक्ष के अगंभीर रवैये को भांपते हुए सीधा पूछ लिया राजेंद्र प्रसाद जी से, आप अब यह सोच रहे हैं कि भारत के राष्ट्रगीत का सवाल किसी समिति को सौंपेंगे, उस रिपोर्ट पर यह सदन विचार करेगा और भारत के राष्ट्रगीत का फैसला हो जाएगा? आपको लगता है कि संविधान सभा के कार्यकाल में यह मुमकिन है? इस गंभीर और तल्ख प्रश्न का बड़ा ही शांत उत्तर मिला अध्यक्ष की तरफ से, ड्यूरिंग द थर्ड रीडिंग पीरियड, दैट इज माई आइडिया, यानी अगले एक महीने में। अक्टूबर 1949 को उसी संवाद के दौरान श्री बी दास ने अध्यक्ष से कहा कि हम में से कई सदस्य जनगणमन को पसंद नहीं करते हैं, वंदे मातरम ही हमारा राष्ट्रगीत होना चाहिए जिसकी प्रेरणा से हमने आजादी की लड़ाई जीती है। इसके उत्तर में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वह उस सदस्य की यानी बी दास की अपनी निजी राय है। उन्होंने फिर एक समिति बनाने की बात का बहाना बना दिया। एक अज्ञात सदस्य ने पूछा कि क्या कोई बिल्कुल नया गीत भी राष्ट्रगीत हो सकता है। अध्यक्ष ने फिर कहा समिति स्वतंत्र होगी यह निर्णय करने के लिए भी। जब अध्यक्ष सब कुछ समिति पर टालने लगे तब प्रोफेसर शिवनलाल सक्सेना ने झट से पूछ ही लिया, क्या समिति का गठन शीघ्रता से होगा? अध्यक्ष ने फिर गोल घुमाते हुए जवाब दिया, इट विल हैव टू बी डन नाउ एंड एज आई सेड आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट in concrete terms, therefore I am not in a position to make any announcement now। देश के राष्ट्रगीत जैसे गंभीर मुद्दे पर संविधान सभा के अध्यक्ष का यह रवैया चाहे कुछ भी रहा हो, न तो उसे गरिमामय कहा जा सकता है और न ही उत्तरदायी। दोस्तों, आपने संविधान सभा की कार्यवाही के डैशबोर्ड में 13 अक्टूबर 1949 को जो सबसे बड़ा देखा वो यही दिन था और उस दिन की यही चर्चा हुई थी
जो अभी आपने सुनी। दूसरे डैशबोर्ड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम जो आपने बड़े और बोल्ड लेटर्स में देखे, वह अभी उनकी इसी भागीदारी की वजह से था। भारत के राष्ट्रगीत के सवाल पर इस तरह की चर्चा किसे आश्वस्त कर सकती थी। दोस्तों, आप सबका ध्यान अब 17 नवंबर 1949 को संविधान सभा के एक सदस्य श्री लक्ष्मी नारायण साहू के एक वक्तव्य पर आकृष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने भारतीय संविधान के मसौदे पर, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारा संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर बहुत ज़्यादा बेस कर बनाया गया है, जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने बनाया था। उनके अनुसार हमारे संविधान के मसौदे में भारतीयता की बहुत कमी है। उन्होंने नेहरू जी के एक बयान को आड़े लेते हुए कहा कि नेहरू जी ने कहा कि सारी दुनिया भारतीय संविधान की तरफ देखेगी संविधानिक ज्ञान के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम के लिए। उन्होंने पूछा कि उसमें हमने ऐसी क्या मौलिकताएं डाली हैं कि दुनिया भारतीय संविधान की तरफ देखेगी। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि जिस संविधान में देश के राष्ट्रगीत तक का प्रावधान नहीं है, उस पर किस बात के लिए अभिमान किया जाए। दोस्तों, 21 नवंबर 1949 को श्री हरिविष्णु कामत ने फिर संविधान सभा के अध्यक्ष से कहा कि उन्होंने एक प्रस्ताव का नोटिस दिया है संविधान सभा को भारत के राष्ट्रगीत पर विचार करने के लिए। उन्होंने अध्यक्ष से पूछा कि क्या संविधान सभा इस पर बहस करेगी भी, और यदि करेगी तो कब। अब संविधान सभा का कार्यकाल एक हफ्ते का भी नहीं बचा था, परंतु बाबू राजेंद्र प्रसाद अब भी उतने ही काम और कंपोज थे। एक और सदस्य एच.जे. खांडेकर ने भी वही सवाल उठाया, पर कुछ होता तब ना जब कुछ होना होता। संविधान सभा के इस 11वें अधिवेशन का आखिरी दिन था 26 नवंबर 1949 को। वह प्रैक्टिकली आखिरी वर्किंग डे था संविधान सभा का। एक बार फिर एक सदस्य श्री बी दास ने अध्यक्ष से पूछ लिया कि वंदे मातरम पर क्या कुछ निर्णय हुआ, हमारा राष्ट्रगीत क्या होगा, कुछ फैसला हुआ कि नहीं। इस पर प्रेसिडेंट हुजूर ने कहा कि मैं कोई बयान नहीं दूंगा, यह मामला बाद में कंसिडर किया जाएगा। अब कब, क्या होना था। अब तो 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर होने थे, बस। अब कौन कंसिडर करता और क्या कंसिडर करता। खैर, साहब ने कहा और संविधान सभा ने सुन लिया।
तुम्हें करते पैदावारी, जब कहती सरकार हमारी तुम्हें करते पैदावारी, मदद करेंगे तन मन धन से, कितने हैं धनवान, कितने हैं धनवान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चौबीस जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा आखिरी बार बैठी। उस दिन भारत के राष्ट्रगीत पर बोलने के लिए सबसे ज्यादा व्यग्रता संविधान सभा के अध्यक्ष ने दिखाई। जिस प्रश्न को 3 साल तक वे अनमने अटपटे तरीके से टालते रहे, उस प्रश्न को इस बार वे उत्तर के साथ लेकर प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा कि संविधान सभा में राष्ट्रगीत का विषय बहुत देर तक लंबित रहा। सोचा गया कि किसी रिजोल्यूशन से वह पारित हो, पर अब यह सोचा गया है कि सब कुछ के बदले मैं एक वक्तव्य पढ़ देता हूं। किसने लंबित किए रखा, अब किसने सोच लिया और क्यों सोच लिया, उस पर कोई रोशनी नहीं डाली गई। इन सवालों को खिसकाते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य पढ़ दिया। वे सुनहरे शब्द, वे गोल्डन वर्ड्स आप सुन भी लीजिए और पढ़ भी लीजिए, जो निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू की देखरेख में गढ़े गए थे। द कॉम्पोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ द वर्ड्स एंड म्यूजिक नोन एज जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट टू सच ऑल्टरेशंस इन द वर्ड्स एज द गवर्नमेंट मे ऑथराइज एज ओकेजन अराइजेस। एंड द सॉन्ग वंदे मातरम, which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honored equally with Jana Gana Mana and shall have equal status with it. I hope this will satisfy the members. संविधान सभा के अध्यक्ष के इस वक्तव्य से संविधान सभा के कितने सदस्य सेटिस्फाइड हुए, उसका तो कोई लिखा जोखा नहीं, परंतु देश संतुष्ट नहीं हुआ यह तय है। कहने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, परंतु अब इससे अधिक इस विषय पर राजशुमारी उचित नहीं है। इस वक्तव्य के बाद बाबू राजेंद्र प्रसाद आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुन लिए गए, महामहिम हो गए। उनको बधाई देने वालों का तांता लग गया। उसके बाद संविधान पर हस्ताक्षर होने थे, हुए। इन सब औपचारिकताओं के बाद पहले भारत का नेशनल एंथम गाया गया, जन गण मन, और उसके बाद वंदे मातरम भी गाया गया। अब भारत सही मायने में स्वाधीन था, जिसका अपना संविधान था और जिसका अपना राष्ट्रगीत था। दोस्तों, आज़ादीनामा की आज की 75वीं कड़ी में बस इतना ही, और बस इतना ही आज़ादीनामा में भी। आज़ादी की ग्रामोफोन गाथा यहाँ समाप्त होती है, परंतु अगले सप्ताह, अगले सोमवार 15 अगस्त 2022 को एक बार और मुलाकात होगी आज़ादीनामा की कहानी के साथ और इसकी छोटी सी पूरी टीम के साथ। आप सुनिएगा आज़ादीनामा की बनने की कहानी।
तब तक के लिए हम सब की तरफ से भारत के 75वें स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम।